लेट हो गया थोड़ा, मैं काम के चक्कर में। चम्मच गलत ले ली मैंने शायद ना। कुछ वादे तोड़ने के लिए नहीं होते हैं, थोड़े लेट निभाने के लिए होते हैं। जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम साथ में गार्लिक ब्रेड खाएंगे, तो कल ये हो ना सका, कल हम बहुत बिजी थे, यार की शादी भी थी। बट राशि मेड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सैंडविचेस, गार्लिक ब्रेड्स। क्योंकि राशि ने बोला है खा के बताओ कैसा है, तो मैं खा के बता देता हूँ, क्योंकि बिन खाए मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कैसा है। थोड़ा क्रिंज हो गया, आई एम सॉरी। इसको बीच से क्यों काट लो भाई, ऐसे थोड़ी की बात, तो दिखेगा उसका। अच्छा चीज नहीं दिखेगा ना, पता था मुझे वैसे ये बात। क्या बात है, पार्डन दोस्तों, पार्डन, मेरा नाम है पार्डन मिश्रा। मैं आपको सीन समझा देता हूँ कैसा है बिना कुछ बोले। DM for रिश्ताज, guys. रिश्ताज क्या गजब बन रखे हैं यार ये। एक्चुअली हम मेकिंग नहीं दिखा पाए क्योंकि मेकिंग में भैया को भी काम कर जाना पड़ता, इसलिए भैया यहाँ पे बैठ गए कि मैं बैठ के ही खाऊंगा। जो लोग बिना मेहनत किए खाने में विश्वास रखते हैं उनको शर्म से बहुत दूर रहना चाहिए। मैं अपना दुख कैसे लगाऊं तुम में यार, सच में मैंने बहुत काम किया, इसने मुझे दुकान भेजा। पर राशि यार ये सच में बहुत टेस्टी है, भी एक्सपेक्टेड नहीं था तुझसे, पर ये बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। क्या बना दिया राशि तूने, ये गार्लिक ब्रेड जो है ऐसा बच गया है, इसके बीच में मसाला है, किनारे सूखा है, तो हम सूखा एरिया पहले खा लेंगे। इतना टेस्टी खाने के बाद एंड में सूखा खाना एक डिफरेंट लेवल का दुख है। मेरे पास संजीवनी बची है दोस्तों, मेन चीज़ बची है दोस्तों, इतना नरम है ये मामला। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सुबह हम नाश्ते पर कहाँ थे और कितनी बढ़िया ट्रिक अपनाई थी। मतलब किसी के घर में जाना है, इतनी जल्दी नहीं जाना है कि नाश्ता बन रहा हो उस वक्त जाएं आप, क्योंकि कोई भी आपको फिर काम थमा सकता है। तो आप ऐसे टाइम पर जाएं जब नाश्ता बन के रेडी हो, बाहर से मतलब आप स्मेल भी कर सकते हो कि कुछ बन रहा है क्या, और जैसे ही आपको पता चले हाँ अब बन चुका है, उस टाइम पे एंटर कीजिए, खाइए और फिर जल्दी से निकलिए फिर, क्योंकि वो कुछ और भी काम पकड़ा सकते हैं ना, फिर उनको भी अच्छा लगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो अभी हम अपने घर पर हैं और ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं, फिलहाल हमारे पास टेबल है। तो इस टेबल को पेंट करने की शुरुआत में मैं पर्सनली जो यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं जो यूज़ कर रहा हूँ शुरू करने के लिए एक वुडन प्राइमर, और ये काफ़ी थिक होता है तो इसमें थोड़ा टारपेन का तेल मिलाना पड़ता है हमको, तो इसकी जो विस्कोसिटी है थोड़ी कम हो जाती है और ये आसानी से सरफेस पे फैल सकता है। प्राइमर इसलिए लगाना चाहिए कि आपका जो लकड़ी है उसको थोड़ा सा दीमक लगने से भी बचाता है, पेंट की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ा देता है। जैसे आप डायरेक्ट लकड़ी पे करोगे वाइट ना, वाइट नहीं लगेगा, हल्का बहुत ना लड़की लकड़ी विजिबल होगी, पर इसको करने के बाद क्या होता है एक लेयर ऊपर से आती है जिससे पेंट थोड़ा विजिबल हो जाता है। तो वुडन प्राइमर पहले करते हैं, उसके लिए मैंने एक दही का डब्बा लिया है, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप कोई मार्केट से खरीद के लाओ अलग से। ये चार चीज़ें हमारे पास हैं, एक है तारपिन का तेल, थोड़ा सा वुडन प्राइमर, ये खाली दही का डब्बा, 30 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है, ये भी 60-70 रुपये में आपको मिल जाता है। तारपिन का तेल मतलब 100-150 रुपये की चीज़ें हैं ये सब सारी की सारी, और ये तो ऐसे ही है मतलब ये डब्बा खोलने के लिए यार, मतलब थोड़ा सा वुडन प्राइमर इसमें ले लेंगे हम, थोड़ा टारपिन का तेल मिलाएंगे, 1:3 का रेशियो बनाएंगे हम। वो मतलब ये गिराना नहीं था, गलती से गिर गया, इसमें हमने भर लिया है दोस्तों काम भर का। टारपिन ऑयल, बस ऑल वी हैव टू डू इज अप्लाई।
यू हैव टू मेक श्योर कि लकड़ी प्राइमर को पी ले तो ज़्यादा स्मूथ सरफेस मिलेगी पेंट को। ये देखिए, भाई टेबल ऊपर ऊपर से हमने प्राइमर किया है, देखो कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए रंग थोड़ा बदला। अब लाने को तो नया टेबल भी ला सकते हैं, बट नए टेबल में क्या होता है कि कुछ ज़्यादा ही फैंसी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल पेंट टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती हैं, बहुत शाइनी ग्लॉसी पेंट्स यूज़ किए जाते हैं, आपका क्रिएटिव रीजन ज़्यादा ओपन नहीं होता है उसमें। और ये मैंने अपनी मैम एक हैं मुंबई में जिनके बारे में जिक्र कर चुका हूँ एक दो बार, मिस अंजना, तो वो घर पे बहुत ऐसे चीज़ें करती हैं, मतलब खुद से क्रिएट करती हैं चीज़ें। ज़रूरी नहीं है आपके अंदर टैलेंट ही हो, क्रिएटिविटी ही हो, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत है भी अंदर से कि मैं कुछ बना दूँ, तो आप भी ऐसे काम कर सकते हैं। तो नया टेबल तो आप भी ले आएँ, वो ग्लॉसी फिनिश आपको भी मिल जाए, बट क्या होता है कि फिर पोखरियाल जी के घर में भी वही टेबल, नेगी जी के यहाँ भी वही टेबल, शर्मा जी के यहाँ भी वही टेबल, आपके पास नया क्या है। तो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया एक मालवी फैमिली जो मुंबई में रहती है, उन लोग का घर भी देख के मुझे ऐसा लगा यार मुझे भी अपना घर ऐसे ही बनाना है। तो कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं, उन्हीं से ये सीखी भी हैं मैंने कला ये वाली। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि यार इस काम को करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अथा क्रिएटिव टू डू दिस, मतलब सिर्फ इनिशिएट करना ज़रूरी है। बनावट है भाई, आप यहाँ पर रहिएगा सर, हम चलते हैं। पूरा प्राइमर कर देने के बाद, मतलब अभी सूखा नहीं है बट फिर भी पूरा करने के बाद टेबल ऐसा नज़र आता है, कह सकते हैं कि हमने इसकी सारी दीमक लगने वाली पॉसिबिलिटीज़ को सील कर दिया है। थोड़ा बहुत टेबल सूख चुकी है, अगर मैं हट गया तो जस्ट मेरे पीछे खड़ी हुई है, मतलब देख लो यार तो। काफ़ी डिफरेंट सीन है। इसने किया क्या है कि प्राइमर ने स्पेशली स्मूथ कर दिया, एंडिंग पेपर से घिसा घिसा था इसको, उस टाइम ये ऐसी थी कि ऐसे ज़ोर से कोई हाथ लगा दे तो हाथ कट जाए या छिल जाए। बस एक दिन और दोस्तों और इसके नज़ारे चेंज होने वाले। अगर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो पहाड़ी फोक म्यूज़िक बच रहा है वहाँ पर अपने मसूब बाज और ये सब, और ये घर सजा हुआ है यहाँ पर आज। तो हमारे जस्ट पड़ोस में डॉक्टर साहब के बेटे की शादी है, जाइए नमस्ते, क्या मामला था ये? कहाँ जा रहे आप लोग? आप भी मार्केट जा रहे हैं? पकड़ लो। हाय आकांक्षा, मैं बुआ बोल रही हूँ, अगर प्रियांक भैया से बात करनी है, मिलना है तो प्लीज पदमपुर आना पड़ेगा मेरे घर, तभी बात हो पाएगी। बाय दीजी, आकांक्षा नाम है। आ सकते हैं बोलना आकांक्षा? आकांक्षा प्लीज कम, अगर तुम जब भी आओगे तुम्हारा वेलकम है। वैभव की बहन है, वैभव की बहन है तो फिर और ज्यादा वेलकम है। तो ताई भी मार्केट निकल रही है? कॉन्शियस हो गई भाभी असल में, ये देखो भग गई भग गई। हाँ भाग रहे हो आप? भाग रहे हो? मैं क्यों भागूंगी? नहीं भाग रही हूँ, भाभी किसी से नहीं डरती है, पंकज भैया की वाइफ नहीं है। देखो भग गई, वो आ जाएंगी कल परसों में, कल भी आ सकती हैं, परसों भी आ सकती हैं। हाँ जी भाभी बताओ आपको ये टेबल कैसा लग रहा है, आप व्लॉग देख रहे हो? भाभी कलर अच्छा नहीं लग रहा, अभी मैंने प्राइमर किया है उस पर, अभी कलर होना बाकी है। मतलब अब कर देना चाहिए इस पे पेंट, सूख गया है और क्या? तो मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह करूँगा, अभी कर दे, अब थोड़ा लाइट अप हो गया मामला। ये यहाँ आज न्यूतेर है, न्यूतेर समझते हैं आप, कोकटेल संभाल के रखो, इनको फिर जरूरत पड़ती है। कलर वाला नहीं करती बिल्कुल, बाल एकदम बाल एकदम तुम्हारे काले हैं यार, कसम से हैं, बिल्कुल कलर वाला नहीं करते अभी तक भी, मतलब
है मामला नहीं, लेकिन साइनिंग आ गई है। वो तो क्या बोला ये पेंट? जाली वाला पेंट है ना जो वो कर रहे हैं। कौन सा वाला? जाली वाला तो बाहर तो नहीं, जी नहीं चीज़ जो रखी है ना उस पर कर। नो मो। तो कौन सा? मैं कोई और करूँगा। आप कुछ और करेंगे ना माँ? मैं सोच रहा हूँ जाली वाले का कलर भी बदल दूंगा। टोपी वाला कलर कर दे, टोपी पे। मैं वाइट ही सोच रहा था वैसे इस पे करने की, पर देख लेंगे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मम्मी यार तुम्हारे तो बाल एकदम शाइनी हो गए एकदम। मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं लगाया बालों में। मेरी मम्मी के बाल अभी तक काले। टेक अ लुक। हाँ यार बिल्कुल यार, ऐसे ही हम क्या करें। मैं दरअसल एक ई स्टोर ढूंढने गया था जहाँ पर वेजिटेबल्स मिलती हूँ। मतलब लोग एसी में शॉपिंग कर रहे हैं सब्जियाँ। नए ऐड की लोकेशन है वो, ढूंढने में मुझे देर लग गई मार्केट में और मिली भी नहीं। तो न्यूतेर जो है ऑलमोस्ट सब जा ही चुके हैं, खाना खा के हम भी निकलेंगे। सर की शादी है भाई। दूल्हे के भाई हैं, दूल्हे के भाई और दूल्हे के दोस्त। दूल्हे का जो भाई है काका, काके को तो जानते हो ना, वो भी कह रहा था साले 11 बजे आ रहा है, लेट हो गया थोड़ा मैं काम के चक्कर में। चम्मच गलत ले ली मैंने शायद ना।